अरे बेटा सानिया, वो जो गोद भराई का खाना बन रहा है ना, उसमें एक डिश और बढ़ा दे, वो जो सवैया नहीं होती है रंग बिरंगी वाली वो। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इतना कुछ होगा कि जलने वाले देखकर जल जाएंगे। बेटा मुर्तजा, तुझसे एक बात करनी थी जरूरी। जी आंटी बोले। वो बेटा, बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जब औरत उम्मीद से हो तो उस पे कोई बुरा साया नहीं पड़ना चाहिए। बेटा वो बांझ के हाथ से खाना पीना, ऐसा करने से बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। तुम आफरीन को यहां ज्यादा कमरे में मत आने दिया करो। तो कम ऑन मुर्तजा, इतने सालों से ये ट्रेडिशंस चलते हुए आ रहे हैं, कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना इसके पीछे। अरे लॉजिक? आर यू सीरियस? बेटा मैं नहीं कहती, वो बड़े बूढ़े कहा करते थे, गुस्सा क्यों कर रहे हो? माफ कीजिएगा आंटी, क्या आपने बड़े बूढ़ों से इस बात की मंतक पूछी है? मुर्तजा भूल रहे हैं कि आप मेरी अम्मी से बात कर रहे हैं। और आप सब लोग ये भूल रहे हैं कि आफरीन इस घर की बहू है, झांझर की बीवी। इस घर का कोई भी फर्द आफरीन की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी और को बुरा लगे या ना लगे, आपको बहुत बुरा लगता है जब भी आफरीन को कुछ कहा जाए। तुम्हें जो समझना समझो, लेकिन आफरीन से कोई भी मिसबिहेव नहीं करेगा। आफरीन को इस घर से धक्के देकर ना निकलवाया ना, मेरा नाम भी किंजा नहीं। आराम से बेटा, आराम से। दूसरी औरतों के चक्कर में अपने शौहर से नहीं बिगाड़ा करते, जरा ठंडे दिमाग से।